मेला घूमने आएंगे और देखेंगे। आज है माघी पूर्णिमा और देख सकते हैं भीड़ हो, माय गॉड। अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं लगा है, 10-11 बजेगा ना फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? मैं हूँ दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंगिका बॉयज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है माघी पूर्णिमा, यानी कि हमारे बिहार में माघ का पूर्णिमा मनाया जाता है। और हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो अगवानी, यानी कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। तो आज है माघी पूर्णिमा और मेरे गांव में मेला लगता है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि प्रॉपर रूप से हम जहां रहते हैं वो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, और 1 किलोमीटर दूर यहां से लग जाता है भागलपुर बॉर्डर। तो बीच में गंगा जी आती है अगवानी और सुल्तानगंज के बीच में। ये हम हैं, ये मेरा दोस्त, और यहाँ पे मेला लगा हुआ है माघी पूर्णिमा का। ये अगवानी गंगा घाट पुल और नीचे गाड़ी लगा हुआ है। अभी तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन 1-2 घंटा में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगा, वो देख सकते हो। माय गॉड, ये देखो यार, हमारा पर्वत्ता व्हाट्सएप ग्रुप आपका स्वागत करता है। पानी का फुल्ली व्यवस्था किया है। चलिए, थैंक यू सदय बाबू, अच्छा लगा देखकर कि आप इस पावन महीने में, माँ के पावन महीने में आप अगवानी गंगा घाट पर ये इंतज़ाम किए हैं। नज़ारा देखिए एक बार गाइस। अभी मैं बड़ी गंगा जी में और देख सकते हैं आप पीछे, यहाँ पे शायद सत्संग हो रहा है पीछे। भीड़ देखिए यार, भीड़। चलिए कुछ सिनेमैटिक व्यूज का नज़ारा देखते हैं। बड़ी गंगा जी के पास से नज़ारा देखिए यार, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक पूरा पब्लिक ही पब्लिक। अभी जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, उत्तर वाहिनी गंगा, इस साइड अगवानी और उधर सुल्तानगंज, इनको उत्तर वाहिनी गंगा भी बोला जाता है। और अभी तो माँ का महीना है, जब सावन भादो आता है तो ये पानी अगवानी बस स्टैंड में जाके सकती है। उधर पुल का काम हो रहा है, आशा है कि 1 या 2 साल में पूरा क्लियर हो जाएगा अगवानी गंगा घाट पुल। ये जब से पुल बनना शुरू हुआ है ना, तब से जितना भी मिट्टी यानी गंगा जी में जाती है, तब से छारन पड़ना कितना शुरू हो गया, देख सकते हैं यार, पब्लिक कहाँ जाके नहा रही है। गाइस, हम लोग नहा धो के उच के हैं रेडी। अभी हम लोग थे बड़ी गंगा जी में और अब फिर वही कपड़ा पहन के घर की ओर रवाना हो चुके हैं। अब घर में जाके कपड़ा चेंज करेंगे, बढ़िया वाला ड्रेस पहन के फिर मेला घूमने आएंगे, फिर मेला घूमने आएंगे और ड्रेसेंगे और ड्रेसेंगे। चुप बाजर चुप। म्यूजिक। ये कोई झूला वाला मेला नहीं है, गंगा जी में नहाने वाला मेला है, पब्लिक की मेला। सामने पुल, आशा है कि हम लोग कभी चढ़ेंगे इस पे। अभी हम लोग बड़ी गंगा से नहा के आए थे और अब छोटी गंगा में देख सकते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही भीड़। छोटी गंगा के घाट पे छोटी मोटी दुकानें, नवोदित किसान संघ, इधर जो कुछ भी मिल रहा है ना, लेडीज का सारा वो चूरी लाठी पता नहीं क्या सब है,
अपना कुछ भी नहीं है इधर। गाइज आप लोग को बता दें कि एक दिन का मेला लगता है माघी पूर्णिमा का मेला, और एक दिन में ये घोड़ा वाला झूला सामने मेरा दोस्त, और इधर छोटी वाली घोड़ा, उधर नाव छोटा वाला, इधर फोटो का दुकान, नवोदित किसान संघ पता नहीं क्या है शिविर लगा हुआ, इधर लकड़ी का गाड़ी जो बचपन में हम लोग चलाते थे। अब इधर से घर जाते हैं, फिर रास्ते में बड़ा मेला लगता है स्टैंड पे, वो आपको दिखाएंगे। ये देखो गोपी, इसको देखो आलोक को, गोपी हाय कर दो, हाय गोपी हाय। हो गया हो गया हो गया, अरे बच्चा वाला झूला है यार। अभी जैसे 10 बज रहा है, तो पहले इस टाइम में पिछले साल इतना भीड़ हुआ करता था यार, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ करता था कि पैदल नहीं जा सकते थे, लेकिन इस बार यार पूरा खाली खाली। रीजन एक कोरोना हो सकता है, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग तंगी के वजह से भी नहीं आ सके हैं, तो पिछले साल को मिस कर रहे हैं हम लोग। और अभी पहुँचे हैं स्टैंड पर, चलिए अब आपको दुकान दिखाते हैं। यहाँ का मेला थोड़ा सा भी भीड़ नहीं है, अगले साल वाला भीड़ नहीं है। इधर मीना बाजार लगता है, इसमें यंग बॉयज के लिए कुछ भी नहीं आया यार, सब लेडीज के लिए। हम लोग के लिए एक्सेस चश्मा मिल सकता है यार। इस बार भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा यार मेला घूमने में, मिस कर रहा है यार पिछले साल को। यह है स्टैंड का परमानेंट दुकान, बस थोड़ा सा भीड़ भाड़ इस वजह से लग रहा है कि गाड़ी हॉर्न मार रही है, मैंने ये वजह है। मिठाई का दुकान देख सकता है यार, एक बात बताओ लाज नहीं लगता है? यार आज हम लोग मेला देखने के लिए गए थे, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भीड़ नहीं था यार, कुछ मजा नहीं आया। तो हम लोग नहा धो के घर आ गए, और माघी पूर्णिमा में ही हमारे गांव में घोड़दौड़ होता है, यानी कि घोड़ा रेस। पीछे देख रहे हैं आप लोग भीड़, बस यहीं पे घोड़दौड़ होने वाला है कुछ देर में, तो चलिए वहां से दिखाते हैं आपको। स्कूल के पीछे जो ग्राउंड है इसी में घोड़दौड़ होगा, देख रहे हैं घोड़ा कितना पब्लिक है यार, वो देखिए घोड़ा। लेफ्ट साइड में भगवती मंदिर और चारों साइड खेत है, तो चलिए सामने से जाके देखते हैं। देख रहे हैं अभी ग्राउंड में घोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है, अब बस कुछ देर में घोड़दौड़ होने वाला है। एक बार आपको घोड़दौड़ में पब्लिक दिखाते हैं कितना है। हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक। तो चलिए यार चलते हैं अभी मेला देखने के लिए, अभी घोड़ा रेस देख के आए हैं, खाना खाने के लिए घर आए थे, अब जा रहे हैं एक चक्कर मेला का भी लगा लेते हैं, वहाँ क्या क्या होता है फिर एक बार दिखाते हैं आपको। भीड़ देखो यार भीड़, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। तो अभी हम लोग मेला देख के आ रहे थे, तो भैया मिले हैं। हाय गाइस, मेला देखने मेला देख के आए हैं, और जा रहे हैं यार, जा रहे हैं नहीं, अभी घाट पर से जा रहे हैं, अब जा रहा है स्टैंड, और हुक्का भी खरीद लिया है,
बच्चा गिरने वाला पीछे रह गया। ठीक है, मिलते हैं आगे। दिस इज मीना बाजार ऑफ अगवानी मेला। राजू भाई के फैंसी दुकान में ट्रांसफार्मर 50 रुपया में मिल रहा है। धन्यवाद, आप लोग पुनः पधारे। घरवाली की दिल्ली जाएंगे आप, गले का चैन, गले का सेट, तो भाई घरवाली भी खुश। बच्चे के लिए ले जाएंगे खिलौना खरीद कर, तो बच्चे खुशी से। ठीक है यार, चलते हैं घर। फिर मजा ही नहीं आया यार मेला में। अपनी वाली आई ही नहीं तो क्या खाक मजा आएगा।